हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कम्युनिकेशन का शुरू करेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन। अगर इससे पहले की बात कर रहे दोस्तों, तो इससे पहले हम लोग देख चुके थे फॉर्मल कम्युनिकेशन, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अपेक्षा करते दोस्तों कि आप उन सारे लेक्चर को देखकर कॉपी में अच्छे से नोट कर लिए हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं। अगर डाउट है तो आपको बताए हुए कि उसके लिए क्या करना है, आपको हमसे डिस्कस कर लेना है, हमसे तो आपको समझा दिया गया है कि कैसे करना है। तो अब आप उन सारे काम को करने के बाद आ जाइए हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए दोस्तों, और डिस्ट्रैक्शन को दूर कीजिए और शुरू हो जाइए। दोस्तों, बात करते हैं हम लोग इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में। दोस्तों, हम लोग को याद है एक बार फिर से क्विक रिवीजन, कौन कौन टाइप के कम्युनिकेशन होंगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, हम लोग देख रखे हैं, जिसमें से दो कंप्लीट कर लिए हैं। किसी की बात करते हैं तो दोस्तों, वर्बल कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है? दोस्त, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे दोस्त, तो रिटन कम्युनिकेशन और ओरल, जिसे हम लोग बोल के करते हैं ना, वो ओरल हो गया। ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, लिख के कम्युनिकेशन करना और बोल के कम्युनिकेशन करना, और इस दोनों कम्युनिकेशन को अगर एक साथ बोला जाए तो इस दोनों कम्युनिकेशन के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, जिसका नाम होता है वर्बल कम्युनिकेशन। फिर से समझे, फिर से, क्या बोल के और लिख के दोनों कम्युनिकेशन को अगर हम एक साथ बोले कि क्या हो रहा है, तो दोस्तों हम लोग इसका नाम देते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अगर इसी को लैंग्वेज में कहें हम लोग, तो हम लोग कहेंगे कि ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। बोल के करते हैं मौखिक रूप से, उसको ओरल कहा जाता है। कैसे बोलते हैं? मुंह से मौखिक रूप से बोल के जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, आप हमसे बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। लिख के होता है रिटन कम्युनिकेशन। तो हम लोग कहेंगे ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन आर कंबाइनली कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे फिर से? ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन आर कंबाइनली कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। क्या क्लियर हो गया दोस्तों? तो आप हमसे कोई भी पूछेगा कि भाई वर्बल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, तो कहेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन हो रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन है, वो बातचीत ओरली बात कर रहा है, मौखिक रूप से बोल के कर रहा है, वो भी क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन। तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो दो प्रकार के होंगे, क्योंकि उन्हीं दोनों को मिला के कौन बना है? वर्बल कम्युनिकेशन बना है। तो हम लोग कहेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। कौन कौन? ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। कौन कौन? ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। कौन? ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो हम लोग कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन दो प्रकार के, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। तो आप अपने कॉपी में हेडिंग लगा लीजिएगा वर्बल कम्युनिकेशन या व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, लिख के चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर लिखेंगे ओरल मतलब स्पोकन, मतलब बोलकर, ओरल कम्युनिकेशन, और रिटन कम्युनिकेशन इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल करिए या रिटन कम्युनिकेशन करिए, क्या कहलाएगा वो? वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन इज लार्जली यूज पब्लिक गैदरिंग। अब इस तरह के कम्युनिकेशन कहाँ यूज करते हैं भाई? कहाँ यूज करते हैं? अब जगह जहाँ पब्लिक है आपस में, तो बात करने करेगा। पब्लिक गैदरिंग जहाँ आदमी सब रह रहा है, खड़ा है, या एक है, दो है, चार है, दस है, तो जहां भी पब्लिक गैदरिंग है, उस सब जगह क्या होगा? ओरल कम्युनिकेशन होगा। यानी पब्लिक है तो आपस में बात करवे करेगा, तो वहां भी वर्बल होगा, अलग बात है। या फिर सेमिनार्स में आप देखोगे, तो सेमिनार्स में आप देखोगे तो आदमी सुनते रहता है, सेमिनार होता है तो, और एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी आकर लेक्चर देते रहता है, तो ओरली हो रही है बातें, तो वहां भी क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन। हम लोग देख रहे हैं कि कहां ओरल कम्युनिकेशन को देख रहे हैं, सॉरी ओरल कहते हैं वर्बल, ये सब ओरल है, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, क्योंकि जो भी ओरल होगा वो वर्बल होगा, जो भी रिटन होगा वो वर्बल होगा।
दोस्त एग्जाम एग्जाम जब हम लोग देते हैं तो एग्जाम लिखते हुए रहते हैं, तो रिटेन कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहां भी, तो भी कैसा होगा, वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये सारे जो कम्युनिकेशन होंगे तो हम क्या करेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन। तो आप वर्बल कम्युनिकेशन कहाँ देखते हो, तो हर जगह हमको देखने को मिलता है भाई, जब दो दोस्त, तीन दोस्त, चार दोस्त, दस दोस्त, या फिर कहीं भी ग्रुप में पब्लिक को समझा रहा है, कोई नेता के भाषण दे रहा है, हर जगह तो ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है बोल के, तो वहां भी एक वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है। एग्जाम में लिख के दे रहे हैं या कोई भी बात लिख के बता रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों मिला के हम लोग उसमें बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन को देख लिए, इसमें ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन होता है। तो इसके अगर हम बात करें कि वर्बल कम्युनिकेशन को बांटने का, तो वर्बल कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, वर्बल कम्युनिकेशन कितने प्रकार के, दो। तो आप यहाँ तक अपने बुक में अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, वर्बल कम्युनिकेशन दीजिएगा और इसको देने के बाद इस तरह स्लाइडिंग देके यहाँ पे इसको बोलते हैं हायरार्किकल डायग्राम, है ना, हायरार्किकल डंडा लेख के द्वारा खींच खींच के बनाना, इससे आसानी से इसको हम लोग ऐसे नोट कर लेंगे। और ये हो गया हमारा ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, दो प्रकार के। अब दोस्त एक एक करके हमको देखना पड़ेगा कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, और उसके बाद कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि भाई पहले सबसे पहले कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, उसकी एडवांटेज और उसकी डिसएडवांटेज को डील करते हैं, फिर आगे का आगे देखा जाएगा। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। अगर आप बात करेंगे हम लोग ओरल कम्युनिकेशन के, तो ओरल कम्युनिकेशन में हम लोग क्या कहेंगे कि जब हम किसी वर्ड के स्पोकन करके जब कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ओरल कम्युनिकेशन। स्पोकन वर्ड के थ्रू जो बोल के जानिए, स्पोकन वर्ड मतलब बोल के जो कम्युनिकेशन हम करते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, ओरल कम्युनिकेशन। तो आइए और इसको भी हम लोग अपने कॉपी में नोट करना शुरू कर देते हैं, हेडिंग लगा लीजिएगा ओरल कम्युनिकेशन, लिख के ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। और पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग को एक एक करके नोट करना है, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग को नोट करना है, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट नोट करना है दोस्तों। पहला क्या है, कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन, मतलब बोल के जो कम्युनिकेशन किया जाए उसको क्या कहेंगे दोस्तों, ओरल कम्युनिकेशन। तो यही बात तो भी सीखी हम लोग। इसके बाद देखिए ध्यान से, एनी पर्सन, देखिए ध्यान से, कोई भी ऐसा व्यक्ति हु है जिसके पास स्पीच एबिलिटी, मतलब स्पीच देने की क्षमता हो, हु एविडेंटली यूजेस ओरल कम्युनिकेशन, बराबर यूज करता है ओरल कम्युनिकेशन, कोई सी काम जिसको बोलने की अच्छी स्पीच देने की, भाषण देने की अच्छी क्षमता हो, तो वो प्रायः सोचता है कि हम ओरल कम्युनिकेशन ही करेंगे, नहीं। तो यही बात लिखा गया है कि जिसके पास वैसे पर्सन हु हैज, है ना, हु हैज एबिलिटी टू स्पीच एविडेंटली यूजेस द ओरल कम्युनिकेशन, ओके, बहुत ही बढ़िया से वो क्या यूज करता है, ओरल कम्युनिकेशन को यूज करता है। दोस्त नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए, फॉर द ओरल कम्युनिकेशन सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, है ना, अगर कहीं भी आप ओरल कम्युनिकेशन कीजिए तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर क्या बोलना है बोलते वक्त, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, इसके बाद साउंड क्वालिटी, है ना, हालांकि इसमें क्वालिटी लिखा हुआ दोनों एक साथ होगा, साउंड क्वालिटी एक साथ होगा, चलिए कॉमा नहीं होगी, साउंड क्वालिटी एक साथ, साउंड हालांकि कॉमा बीच में नहीं दीजिएगा, इसमें कॉमा दिया हुआ, साउंड क्वालिटी, इसके बाद ऑडिएबिलिटी। देखिए अब बात सबको समझिए, जब कभी भी ओरल कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, तो उस केस में क्या होता है कि साउंड क्वालिटी मैटर करता है, ऑडिएबिलिटी मतलब सुनने की क्षमता जो है वह मैटर करता है, नहीं तो वहां ओरल कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब क्या हुआ, जैसे बोलेंगे हेलो बच्चों, तो ये अब देखो, अब इस तरह से हो गया, अब देखो ध्यान से, हेलो बच्चों, इसको बोलते हैं साउंड मॉड्यूलेशन, कि कब किस बात पे जोर से बोलना है और कब किस बात पे धीरे बोलना है, इसको बोलते हैं साउंड मॉड्यूलेशन। तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा, आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर कहीं ओरल कम्युनिकेशन करना है मतलब अच्छे से, ऐसे तो ओरल कम्युनिकेशन हम लोगों को क्या, कोई क्या फर्क पड़ता है कि कोई किसी से बात कर रहा है तो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप किसी भी
कंपनी में काम कीजिएगा, कभी इंडस्ट्री किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कीजिएगा, वहां मैटर करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है। तो वहां जरूरत पड़ती है दोस्तों हम लोगों को क्या, इन सारे फैक्टर को कंसिडर करने की, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो आपको अलग से ट्रेनिंग दिया जाएगा इस सब चीजों के लिए, समझ आ रही। तो इसमें क्या है कि आपके आपके पास प्रॉपर वर्ड सिलेक्शन आनी चाहिए, जब ओरल कम्युनिकेशन जान करने जा रहे थे, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर वर्ड आनी चाहिए। साउंड क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अब देखोगे, देखो दोस्तों ये सब चीज में क्या होता है नॉर्मली, साउंड क्वालिटी बढ़िया इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, हॉल भरा है, ठीक है, अब वो एकदम धीरे धीरे बोल रहा है ताकि खाली आगे के बच्चा सुन सके। देखो आज हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, अब बच्चा क्या करेगा इस केस में, एक दो नींद मार लेगा, है कि नहीं, पीछे रहेगा बैठा हुआ, एक दो नींद मार लेगा। तो साउंड क्वालिटी जो होती है वो, अब देखो कभी गाना गाने के लिए गाया था, कभी गला फंसा हुआ है तो उस केस में गाना गाएगा सो, किसी का गला फ्रेश है तब गाएगा सो, है ना, बस समझ आ रही। तो वहां पे क्या है कि आपकी साउंड क्वालिटी, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर वर्ड, साउंड मॉड्यूलेशन, ऑडिबिलिटी, मतलब इन सारे ये सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें ओरल कम्युनिकेशन में। अगर ये ना हो तो कम्युनिकेशन तुरंत टर्मिनेट हो जाएंगे। मान लीजिए हम बता रहे हैं कुछ भी और बच्चे सामने वाले जो स्टूडेंट है उसकी ऑडिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो वो क्या कहेंगे, कहेंगे क्या फालतू फालतू पढ़ाते रहते हैं, कुछ काम का पढ़ाते हैं तुम, चलो गलती बात। उस केस में आप गौर से देखोगे तो उस केस में ऑडिबिलिटी मैटर करती है। अगर हम साउंड एक ही तरीके से पढ़ाते रहे तो उस केस में क्या हो जाएगा, बच्चे नींद मारने लगेगा, साउंड मॉड्यूलेशन होते रहेगा। तो आप देखोगे साउंड मॉड्यूलेशन होने के कारण आप ऑब्जर्व कर पाओगे इन सारी चीजों को कि किस तरीके से इफेक्टिव आदमी इफेक्टिवली किसी बात से जुड़े रहते हैं। इसका मेन उदाहरण आपको हम बार बार देते हैं, जैसे मोदी जी को देखिएगा और उसके बाद एक स्पीकर आपको बहुत नजर आएंगे जिसका नाम है विवेक बिंद्रा। आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर का नाम अगर सुनिएगा तो पता होगा विवेक बिंद्रा, अगर आपको नहीं पता भी तो आप देखिएगा उसको सर्च मार के, विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत अच्छे हैं। तो उनके उसके कम्युनिकेशन में दिखेगा, जब आप जुड़िएगा तो लगेगा कंटिन्यू करना है, क्यों, क्योंकि आप देखिएगा बात को ना वो मॉड्यूलेट करते रहते, मॉड्यूलेट मतलब साउंड कभी धीरे कभी जोर से, कभी धीरे कभी जोर से। तो इस केस में होता क्या कि फ्रीक्वेंसी बदलने रहने से साउंड की जो मॉड्यूलेशन होती है अलग अलग तरीके से, हमको लगता रहता कि अचानक जो कोई नया जोर से बोला कुछ, अचानक कुछ बढ़िया बात हुआ होगा, बड़ा बात हुआ होगा, धीरे नॉर्मल चल रहा है, बीच में चलो ठीक चल रहा है। तो इस तरीके एक ही तरीके से है तो हमारा हम थोड़ा देर तो सुनते क्या रोके, बस उसके बाद ये हो जाता है नॉर्मलाइज हो जाता है, नींद मारने लगता है। तो साउंड मॉड्यूलेशन जरूरी है। तो इन सारे फैक्टर जो फैक्टर हम लोग डिस्कस किए दोस्तों, जो फैक्टर हम लोग डिस्कस किए कौन कौन सा, कि अगर आपको ओरल कम्युनिकेशन अच्छे से करना है तो उसके लिए आपको आने चाहिए कि क्या बोलना है, कौन वर्ड किस तरह बोलना है, वो उसकी सिलेक्शन आपको अच्छे से आनी चाहिए। दूसरी बात कि आपकी साउंड क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, और तीसरी बात दोस्तों कि साउंड मॉड्यूलेशन आनी चाहिए, और चौथी बात दोस्तों ऑडिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और इन सारे फैक्टर को कंसिडर कर लिया जाए तो ओरल कम्युनिकेशन को बढ़िया बनाया जा सकता है। इन सारे ये सारे फैक्टर जो बता रहे हैं, ये सारे जो कंडीशन बता रहे हैं, ये ओरल कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों? तो ये सारे फैक्टर्स ओरल कम्युनिकेशन को बेहतरीन बनाने में मदद करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे दोस्तों, ओरल एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट ऑफ द टीचिंग लेक्चर्स। ध्यान से देखिएगा, जो लेक्चर जो बना अभी आपको जो बना के लेक्चर भेज रहे हैं दोस्तों, जो लेक्चर आपको दे रहे हैं, उस लेक्चर में आप गौर से देखिएगा कि जितने भी टीचर आप देखते हो वीडियो में और एक ही तरीके से पढ़ाते हैं नॉर्मल, एक ही तरीके मतलब बात सबको वेरी करके, साउंड मॉड्यूलेट नहीं करते हैं, इसकी उनकी जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो अच्छी नहीं है। तो आप देखोगे कि ऐसे टीचर से जो स्टूडेंट है वो बोर फील करते हैं और स्किप कर लेते हैं, उनको उनका लेक्चर देखना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो वही टीचर आपको देखेंगे जिनका आई कॉन्टेक्ट, आई से तो बताएंगे कि आई कॉन्टेक्ट बढ़िया रहता है जिनका, ठीक है, आई कॉन्टेक्ट जिनका बढ़िया रहता है, और इसके अलावा उनकी साउंड मॉड्यूलेशन अच्छी रहती है, और जो वॉयस जो साउंड है वो
वो जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो यूजर फ्रेंडली भी होनी चाहिए, जब पब्लिक जिसके लिए आप बना रहे हैं उसको भी आसानी से समझ में आ जाए, तो उन टीचर्स की जो लेक्चर्स है बहुत अच्छे वे में आगे बढ़ती है, एक्सपेंड करती है और काफी अच्छे खासा बच्चों को या फिर जिन लोगों के लिए बनाया जा रहा है उनको मदद कर रही है। लेकिन जिनकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिनकी साउंड मॉड्यूलेशन अच्छी नहीं है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड अच्छा नहीं रहता है, उनका लेक्चर आप देखोगे तो बोरिंग, फ्रस्ट्रेटिंग और मतलब आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा। हालांकि वो ऐसा नहीं कि पढ़ा अच्छे नहीं है, बस उनकी जो टीचिंग स्किल है यानी कह सकते टीचिंग स्किल में भी कम्युनिकेशन स्किल है वो उनकी उतनी अच्छी नहीं रह रही है। देखो इसका एक और आगे से बात बताएंगे कि इसमें आई कॉन्टेक्ट बहुत मैटर करता है दोस्तों। तो होता है क्या कि यहाँ पर हम लोग को लिखना रहता है इसलिए ज्यादा आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन होता क्या कि आई कॉन्टेक्ट मैटर करता है। जैसे कोई भी टॉपिक आपको अगर बताना है तो रेगुलरली अगर हम आपको ऐसे समझाते हैं सो और बता दे फिर लिखे, बता दे फिर लिखे, तो थोड़ा सा इसमें होता है कि आई कॉन्टेक्ट की गैपिंग आ जाती है जिसके कारण उतना इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए देखते हैं अगर ज्यादातर बातें हम आपको पहले समझा देते हैं फिर उसको आपको लाइन बाय लाइन बताते हैं, ताकि एक तो आई कॉन्टेक्ट से आपका इंटरेक्शन समझ में आएगा सारी बातें, और फिर जब हम बताते हैं तो बातें ज्यादा क्लियर होती है। तो जो टीचिंग लेक्चर्स होती है उसमें भी कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हम आपको क्या करते हैं स्पीच के थ्रू आपको बता रहे थे ओरल कम्युनिकेशन। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में। तो जब कोई प्रेजेंटेशन देने जाता है सेमिनार, आइए आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस से निपटारा कैसे पाया जाए, है ना। तो दोस्तों ये सेमिनार हो गया, तो सेमिनार में हम कुछ ऐसे करके बहुत सारे पब्लिकली हम बताते रहेंगे, देखिए यहाँ यहाँ ये हो रहा है, इसमें ये करने से हम लोग को ऐसे समस्या से छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों ये सारी बातें जब हम सेमिनार बताए तो वहां भी क्या क्या हो गए, बोल के ही कराया जा रहा है स्पीच के थ्रू, लेकिन वहां भी अच्छी क्वालिटी चाहिए, साउंड, सारे चीज, इस सारे फैक्टर को चाहिए ही चाहिए अच्छा ओरल कम्युनिकेशन करने के लिए। अब बात करते हैं ये प्रेजेंटेशन में भी हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद जो स्पीच भाषण देते हैं नेता होता है, जो भी भाषण देता है, तभी मोदी का एग्जाम्पल दिया आपको, तो जो भाषण देता है तो उस भाषण में आप देखोगे कि वो सारी बातों को रखता है। मोदी का भी देखोगे बोलेगा, फिर एक के बाद आएगा, फिर जोर से बोलेगा, फिर धीरे बोलेगा, फिर साउंड मॉड्यूलेट करते रहेगा। सिलेक्शन ऑफ वर्ड देखोगे उसका बहुत बढ़िया होता रहता है। जो मोदी का भाषण का देखोगे जहां का है वहां का वासी का बहुत सारे बातों को कंक्लूड कर लिया रहता है कि इस सबको क्या क्या अच्छा लगता है अच्छा, और उन सारे बातों को संग्रह करके और उसी सिलेक्शन ऑफ वर्ड यूज करते रहते, वही के सिलेक्शन ऑफ वर्ड यूज करते हैं। देखिएगा सबसे बढ़िया कि मोदी का जो स्पीच में देखिएगा उनका सिलेक्शन ऑफ वर्ड बहुत ताड़ा रहता है, जहां के जाएंगे वही के भाषा में उसी उन्हीं वहां का जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीजें होगी उस सब चीज के रिगार्डिंग बात बोलेंगे, साउंड मॉड्यूलेट करते रहते हैं। वो एक स्किल है, लीडरशिप का जो भी मामला रहे, हमें राजनीतिक पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो LCS लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल वो हमें देखनी चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसमें कि इट इज वाइडली यूज। अब बताइए ओरल कम्युनिकेशन कहाँ नहीं हो रहा है, बहुत यूज होता है। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत ही बड़े स्तर पर यूज होता है हमारे डेली लाइफ में। ओरल कम्युनिकेशन इज वाइडली यूज। क्या आपको ओरल कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर है? हम लोग क्या पढ़े पूछते हैं, स्पीचिंग वर्ड्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है ओरल कम्युनिकेशन होता है। ओरल कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्ले करता है हमारे रियल लाइफ में, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रियल लाइफ में। तीसरी बात की ओरल कम्युनिकेशन के लिए दो तीन चार बातें जो अच्छे से कंसिडर करना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन सा बात, सिलेक्शन ऑफ वर्ड, क्वालिटी ऑफ साउंड, इसके अलावा हम लोग साउंड मॉड्यूलेशन और ऑडिबिलिटी, ये चार बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओरल कम्युनिकेशन में। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन आज वाइडली यूज हो रहा है। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि ओरल कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो हम लोग देखे थे कहाँ, सेमिनार में, टीचर के लेक्चर में, प्रेजेंटेशन में, स्पीचेज में, इन सारे जगहों पे आप वाइडली देखोगे, या फिर गांव में कोई भी ऐसा वहां भी स्पीच होते रहता है, मानो मुखिया है, वार्ड है, ऐसा आके अपना गांव के आदमी को भाषण देता तो वही बात होती, या फिर ग्रुप मीटिंग में, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन का हम लोग बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज करते हैं। क्या आपको इन सारी बातों का मतलब समझ में आ गया है, तो आपका काम क्या रहेगा, इन सारी बातों को अपने कॉपी में वन बाय वन नोट कर लेना, अगर आपको ये सारी बात बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। अब दोस्त इन सारी बातों को सीखने के बाद अब हम सोच चलते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन की एडवांटेज क्या है और इसकी डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसकी
गुण क्या है और खामियां क्या है, अवगुण क्या है, उन सारी चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन की एडवांटेज क्या है, फिर देखेंगे ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज क्या है। तो अगला लिखिएगा, अगला हेडिंग हम लोग का होगा दोस्तों कि एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अगला हेडिंग क्या होगा हम लोग का दोस्तों, एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ये हेडिंग लगा लीजिएगा अपने कॉपी में आप लोग, ओके ठीक है, शुरू करें एक एक करके। अच्छा दोस्तों, अब फायदा के बाद दोबारा बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा ओरल कम्युनिकेशन में फायदे की बात करें तो हम लोग ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई भी मैसेज यानी कोई भी बात किसी को आसानी से पहुंचा देते हैं। जैसे अगर आपकी कोई मैथ की प्रॉब्लम है नॉर्मली, तो अगर आप हमसे पूछते कि मैथ सर बता दिए कैसे हुआ, अगर हम उसको लिख के बना के सिर्फ आपको भेज दे तो आप बहुत हद तक सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। अगर आपको आइडिया होगा तो समझ जाइए तो ठीक है, होगा सेटिस्फाइड, लेकिन अगर आपको भेज दिया जाए आपको ज्यादा आइडिया नहीं है तो सेटिस्फाइड नहीं होगा। लेकिन वही बात अगर हम आपको बोलकर बताए तो आप आसानी से उस बात को समझ जाइएगा। तो कहने का मतलब सीधा है कि अच्छा नॉर्मली आगे आपको बताएंगे दोस्त, एक बात बताइए, नॉर्मली अगर आपको मतलब नॉर्मली किसी को प्रपोज करना है सपोज है, तो आप गौर से देखिएगा कि अगर खत लिख के देगा, चिट्ठी लिख लेगा, रात रात उठ के चिट्ठी लिखेगा, है ना, और चिट्ठी लिखेगा और वही चीज उसको बोल के करने के लिए किया जाए, तो हालांकि दोनों में से फायदेमंद कौन होगा, जो डायरेक्टली जाकर बोल के बोलेगा, दूसरे बार लिख के देगा उतना कम इफेक्टिव रहेगा। लेकिन हमारे जो बोल के मैसेज पास करते हैं वो आसानी से हो जाता है, लेकिन जो लिख के आता है वो आसानी से मैसेज पास नहीं होती है। इस पर और भी डिस्कशन में आगे आएंगे, लेकिन तत्काल हम लोग इतना समझ गए कि ओरल कम्युनिकेशन से यानी जो बोलकर होता है उससे कोई भी बात को आसानी से दूसरे को बताया जा सकता है, यानी मैसेज को, जो हमारी मैसेज जो बात है उसको इजिली कन्वे किया जा सकता है, कन्वे मतलब पास करना, तो पास किया जा सकता है किसको, जो सामने वाला रिसीवर है। तो इसमें पहला पॉइंट है मैसेज इजिली कन्वे टू द रिसीवर, यानी मैसेज जो होता है रिसीवर को आसानी से पास किया जा सकता है। दोस्तों समझ में आया, ओके। दूसरा इसका इसमें एक और खास बात है, जैसे अभी ओरल कम्युनिकेशन करेंगे तो सामने वाला तुरंत हमको रिप्लाई कर देगा, अने तो एक लिख के भेजे खत आज पता चला कि 5 साल बाद जवाब आया कि छठी में आना है ना, छठी समझते हैं दोस्त, तो महबूब का खत आज लिखा उसने छठी में फिर आने में मतलब 5 साल बाद आया, तो वही वाला मामला हो जाता है क्या, समझ में आ रहा है। मतलब कुल मिला के बात है कि आप जब राइट करते देखो, ये नॉर्मली इसे ऐसे भी देखो ना, जब कोई फॉर्म से एसपीटी जैसे एसपीटी हमारा बोर्ड है तो जब उसको कॉल किया जाता है तो कॉल करके तुरंत जवाब आता है सर आएगा रिजल्ट भी नहीं आएगा फलना चिल्ला वहां पे बात करके आराम से दे देता है। अब जब हम लोग के पास रिटर्न रूप में जब डॉक्यूमेंट आता है कि अभी क्लास बंद करना है फलना चिल्ला, तो पता चलता है कि 10 दिन आज देना मीडिया में आ जा गया, 10 दिन बाद उसका लेटर पहुंचेगा कि आज भी इतने दिनों तक बंद किया जाएगा इंस्टीट्यूशन कोविड के कारण। तो ये मैसेज पास करना बहुत तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है, हाँ या ना, लेकिन जब ओरल कम्युनिकेशन होता है दोस्तों तो उसमें जवाब तुरंत मिल जाता है, दस गिव्स इमीडिएट फीडबैक, क्लियर है दोस्तों। तो दूसरी पॉइंट हम लोग क्या नोट करेंगे, इट गेट्स क्विक फीडबैक, इमीडिएट कहिए या क्विक कहिए, तुरंत फीडबैक हमें मिल जाता है। तो आई थिंक कि आपको पहला बात और दूसरा बात भी बहुत आसानी से समझ में आ गया दोस्तों। अब ये थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव भी होता है, इफेक्टिव कहने का मतलब क्या, जैसे आप देखो ध्यान से इसमें आपको एक्सप्रेशन भी देखने को मिल जाता है, जब साउंड जब हम लोग क्या करते हैं, हालांकि जब फोन पे बात करते हैं तो उस समय नहीं मिलता, लेकिन जब फेस टू फेस जैसे अभी आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसमें आपको देखने में मिल रहा होगा कि हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो रहा होगा टाइम टू टाइम, इसके बाद हमारा जो हैंड मूवमेंट है, हालांकि सब की चर्चा आगे करेंगे, ये सब अलग पोर्शन में भी आ जाता है मेन रूप से, तो इसमें आपको ये इफेक्टिव होता है क्योंकि आप बात देखोगे कभी जोर से कभी धीरे कभी जोर से कभी धीरे, ये सब चीजें जो होने लगती है। तो ये साउंड मॉड्यूलेशन हो गया, प्रॉपर वर्ड की सिलेक्शन अगर अच्छा हो तो ये सब चीजें मैटर करती है, इसके कारण हमारा जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होता है रिटन कम्युनिकेशन से, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें देखने को मिल, साउंड मॉड्यूलेशन, सिलेक्शन ऑफ वर्ड, ये सब चीजें अच्छे से देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे आपका ओरल कम्युनिकेशन काफी अट्रैक्टिव और इफेक्टिव दिखता है। तो दोस्तों हम कहेंगे ड्यू टू एक्सप्रेशन वॉइस मॉड्यूलेशन इट इज इंटरेस्टिंग,
इंटरेस्टिंग होता है, साउंड बढ़ घट होकर इंटरेस्टिंग होता है एंड इफेक्टिव। ये कम्युनिकेशन इसके कारण क्या होता है, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव हमको देखने को मिलता है। कौन कम्युनिकेशन? ओरल कम्युनिकेशन। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? अच्छा, देयर इज ए स्कोप ऑफ एक्सप्लेनेशन इफ रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हमको कोई बात, मान लीजिए हम कोई बात किसी को बताना है तो लिख के बता दीजिए, लिख के उसको भेज दीजिए। अब वो समझ नहीं पा रहा है तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, फिर उसको लिख के कैसे भेजे, कैसे बताए, दिक्कत होती है। तो उस केस में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि अगर ओरल कम्युनिकेशन आता है तो बता रहे उस बात को नहीं समझा तो फिर उसको हम अलग तरीके से समझाते हैं। यानी जब ओरल कम्युनिकेशन होता है तो उस केस में आपके पास एक स्कोप रहता है, चांस रहता है कि आप क्या करो, आपके पास वो ये ऑफर ऑप्शन रहता है कि आप क्या करो, उसको अलग तरीके से समझा पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ। तो वही क्या, देयर इज ए स्कोप ऑफ एक्सप्लेनेशन इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई ऐसा लग रहा है कि वो बात नहीं समझ पा रहा है तो उसको समझाने के लिए आपके पास टाइम होता है कि देखो ऐसे हुआ वैसे हुआ, आपके पास क्लियर करने के लिए टाइम होता है। ठीक, इट टेक्स लेस टाइम टू कन्वे द मैसेज। वही बात, वो इजिली कन्वे करता है, टाइम कंज्यूमिंग भी कम होता है। तो ये जो हम कह सकते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम क्या होता है, बहुत ही कम लगता है। दोस्तों तो आपको ये सारी बातें कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैसेज को आसानी से इसमें हम पास कर सकते हैं, कम टाइम लगता है, प्लस में अगर यहाँ पे जरूरत पड़ता है कि स्कोप ऑफ एक्सप्लेनेशन रहता है कि मान लीजिए कोई मैसेज अच्छे से नहीं समझ पाया मेरा बात को तो हम उसको और दूसरे तरीका से भी समझा सकते हैं, ये इसका चांस है। लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन एक बार लिख के भेज दिया गया, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से लिख के भेजना, तो बहुत लंबा टाइम आप फिर समझ में, आप समझा कि नहीं समझा कोई मामला नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा फीडबैक भी मिलते रहता है तो हम फिर से उसको समझा सकते हैं अलग अलग तरीका से। तो दोस्तों ये सारी बात हम लोग नोट करेंगे किसमें, एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में। अपेक्षा करते हैं कि अभी आपको एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन भी अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों बहुत बहुत इजी लैंग्वेज यूज किया गया है, अब इससे इजी लैंग्वेज आपको नहीं हो सकता है, तो ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम लोग समझे हैं। आपकी इंग्लिश वीक भी होगी तो इसमें दिक्कत नहीं है, थोड़ी थोड़ी वर्ड आपको याद करते रहिए, क्योंकि आपको जैसे जैसे आप याद कर जाओगे आपकी वर्ड लेवल भी स्ट्रांग होती चली जाएगी, है ना, तो वो आपको करते रहना पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं सकते। थोड़ा आपको इंग्लिश के लेके ध्यान देना पड़ेगा, आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हो उसमें अगर आपको देखना पड़ेगा ये सब चीजें, छोटी छोटी बातें, लेकिन आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे आसान लैंग्वेज आपको जनरली देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमने बहुत ही आसान और बहुत ही शेड्यूल, बहुत ही सुटेबल ढंग से आपको बहुत प्लान करके आपको जितने भी मटेरियल मिल रहा है वो मिल रहा है, तो आप अपने डायरेक्ट कॉपी में नोट कर लोगे, बुक देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से पूरे एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओगे, पूरे एग्जामिनेशन में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक, बात करते हैं दोस्तों इससे आगे ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज के बाद आती है डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, जहां खूबियां है वही खामियां भी है। तो चलिए बात करते हैं इसकी खामियों की, यानी डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो अगला हेडिंग हम लोग का क्या होगा दोस्तों, डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, हेडिंग लगा दीजिएगा डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। दोस्तों एक एक करके बात करेंगे, है ना, अब देखिए ध्यान से अगर कहीं पे भी ऑडियबिलिटी मतलब सुनने की जो क्षमता होती है वो सामने वाला का कम हो, मतलब वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं हो किसी बात का, तो आप उसको ओरल कम्युनिकेशन बताइएगा तो आप बता दिए, बहुत देर बाद पूछेगा कि क्या बताओ ये क्या हुआ, क्या बोल रहे थे, सुन नहीं दिए, तो जैसे खोया खोया सा रहेगा, क्योंकि उसकी ऑडिबिलिटी है नहीं तो आपकी बात, तो उस केस में आपको ओरल कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, लेस इफेक्टिव। तो कहा गया क्या कि अगर जहां भी सुनने यानी ऑडिबिलिटी कम होती है तो ओरल कम्युनिकेशन वहां इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो क्या कहते हैं, देयर इज नो ऑडिबिलिटी, हालांकि बीच में एक ही साथ लिखिएगा, इस दोनों को एक ही साथ दिखेगा, देयर इज नो ऑडिबिलिटी, देन इट इज लेस इफेक्टिव, ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है। दूसरी बात, इट इज नॉट अ लीगल प्रूफ। ओरल कम्युनिकेशन में कोई, जैसे मान लीजिए कि आपको हम
कोई सवाल बोल दिए कि देखो बाबू यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे सॉल्व कर लेना है और यहाँ से ये हो जाएगा, देखो टेन थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे ऐसे कर दिए, अब क्या कर लिए, अब आप बना के बना तो लिए आप, लेकिन गड़बड़ होगा तो कोई पूछेगा कि कौन बताया, तो आप नहीं कहोगे सर बताए थे, लेकिन आप हमारे पास आओगे तो हम कहें हम ऐसे थोड़ी बताए थे, हम ऐसे बताए थे, तुम ऐसे कर लिया, बताया हम ऐसे ही थे, लेकिन अब देखो भूल दे दिए, अब वहां पे आपके पास प्रूफ तो नहीं था कि सर ऐसे ऐसे बताया, हम समझ रहे। तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या होती है कि वहां पे कोई लीगल प्रूफ नहीं होती, हालांकि आज इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमारे पास लीगल प्रूफ भी होने लगे हैं। मान लीजिए हम आपको बता दिए अभी रिकॉर्डिंग के माध्यम से लेक्चर में, और यहाँ पे देखिएगा तो बात जो भी बताया सब सब रिकॉर्ड हो गया है, और हम गलती बताए रहेंगे तो गलती रिकॉर्डेड हो जाएगा, फिर अब हम सफाई देना चाहेंगे तो नहीं हुआ, तो यहाँ अब हालांकि हम लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ओरल कम्युनिकेशन को भी लीगल प्रूफ के रूप में रख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें इन जनरल तो हम ये कह सकते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन हैविंग नॉट अ लीगल प्रूफ, क्योंकि जनरलाइज तो अगर कोई बात पढ़ा क्लास में पढ़ा दिया गया तो वहां पे आप देखो जब तक लिख के नहीं दे रहे तो लीगल प्रूफ के रूप में नहीं दिखता है। बस समझ में आया दोस्तों, ये Sometimes a single word disturb all communication. देखिए ध्यान से सुनिए, जब कभी कभी ऐसा होता है कि एक वर्ड पूरी कम्युनिकेशन को बिगाड़ देता है, प्रपोज करने गया मुन्नी के बदले शीला बोला गया उसी में, है ना, मुन्नी के बदले शीला बोला गया, तो ध्यान से रखिएगा कि फिर वो पूरा गेम ही खराब कर देगा, पूरी कम्युनिकेशन खराब करके रख देगा। अब मान लो उस समय तो पूरे कम्युनिकेशन गया, मान लो उस समय जब खत लिखते वक्त उस समय लिखा गया तो थोड़ा बहुत तो मैनेज हो सकता है, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी बहुत तगड़ा आता है रिटन कम्युनिकेशन में भी, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में अगर कभी कभी आपसे एक गलत वर्ड बुला जाए, है ना, जैसे नेता कोई भाषण दे रहा है उसमें एक वर्ड उल्टा हो जाए तो ऊपर से फिर पढ़ने लगता है, समझ रहे हैं, टमाटर और क्या क्या सब पड़ता है वो सब आप खुद में जानते ही है, तो बाकी से कहने का मतलब है कि हम सब जानते हैं इसके बारे में। तो कुल मिलाकर दोस्तों कहना मेरा ये है कि एक कभी कभी एक सिंगल वर्ड ओरल कम्युनिकेशन को पूरा डिस्टर्ब करके रख देती है, बस समझ में आ रही, कभी कभी नॉट ऑलवेज कभी कभी। ओके, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, जहां एक ही और हम देख रहे थे कि ओरल कम्युनिकेशन में क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग होना, हालांकि यहाँ पे समटाइम्स होना चाहिए था, इट इज टाइम कंज्यूमिंग समटाइम्स करना चाहिए, क्यों, क्योंकि कभी कभी मान लीजिए अभी रिटन कम्युनिकेशन में आपको हम जैसे लिख के बता दिए कि देखो ये सवाल ऐसे बनता है, ठीक है आपको लिख के दे दिए अब आप समझो, ओरल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि आप नहीं समझे तो सर ऐसे बताइए, सर ये नहीं समझे ये बताइए, क्योंकि वहां पर स्कोप ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, पहले एडवांटेज में देखे थे क्या, स्कोप ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, और स्कोप ऑफ एक्सप्लेनेशन के कारण कभी कभी ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, फिर से समझिए, क्योंकि आप पूछोगे बार बार सर ये कैसे हुआ, सर वो कैसे हुआ, सर वो कैसे हुआ, तो उस केस में क्या होगा, हम आपको बार बार समझाते चलेंगे हो जाएगा, लीगल रिटन कम्युनिकेशन बना के दे दिया गया अब आप समझो, तो ओरल कम्युनिकेशन इसमें कर लिया, इट इज टाइम कंज्यूमिंग समटाइम्स, यहाँ पे एक बार आप जोड़ दीजिएगा समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, लेकिन जब स्कोप ऑफ एक्सप्लेनेशन बढ़ जाता है उस केस में टाइम कंज्यूमिंग ये हो जाता है। क्या बात क्लियर है दोस्तों, समझ में आया, तो दोस्तों ये आपका ओरल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज था। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि ओरल कम्युनिकेशन एक वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, जिसका हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें डिस्कस कर लिए, और इस तरीके से हम लोग का ओरल कम्युनिकेशन वाला सेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है और उसकी एडवांटेज क्या होती है और उसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको करना क्या, सारे बातों को नोट करके रिवाइज करके मेमोराइज करके रख लेना है, अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे डिस्कस कर लेना है, तो चलिए आप लोग सारे को कंप्लीट करके रखिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रिटन कम्युनिकेशन वाले में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।